टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी लिमिटेड के शेयरों में आज 27 अगस्त को 16.26% की शानदार तेजी देखी गई। ये स्टॉक BSE पर 8,970.35 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। पिछले 3 कारोबारी दिनों में कंपनी के शेयरों में करीब 29% की दमदार रैली आ चुकी है। ये लगातार 4th दिन है जब टाटा एलेक्सी के शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। सोमवार को भी शेयर प्राइस में 8% से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। इस रैली के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 55,864 करोड़ रुपए हो गया। ये स्टॉक 52 वीक हाई 9,191.10 रुपए और 52 वीक लो 6,406.60 रुपए है। CNBC TV18 ने इस साल 1 अगस्त को बताया था कि टाटा एलेक्सी 2024 में अब तक टाटा ग्रुप की कंपनियों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनी है, जिसमें करीब 21% की गिरावट आई है। हालांकि 2 दिन की दमदार तेजी के बाद अब टाटा एलेक्सी ने न सिर्फ अपने सभी घाटों को रिकवर कर लिया है, बल्कि इस साल अब तक कंपनी के शेयरों का रिटर्न पॉजिटिव हो गया है। जून तिमाही में टाटा एलेक्सी ने कांस्टेंट करेंसी टर्म में 2.4% की वृद्धि दर्ज की। JP Morgan का मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में उछाल के कारण इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि इसने बड़े डील में तेजी देखी है। मीडिया और कम्युनिकेशन सेगमेंट में नरमी रही, जबकि अमेरिका में एक बड़े ग्राहक से रिन्यूएबल में देरी के कारण हेल्थ केयर सेगमेंट में गिरावट आई। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में ग्रोथ के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट की गई 9.6% वृद्धि से बेहतर होने का भी गाइड किया है। टाटा एलेक्सी पर कवरेज करने वाले 12 एनालिस्ट में से 9 ने स्टॉक पर सेल की रेटिंग दी है, 1 ने होल्ड की है, जबकि 2 अन्य ने बाय की सिफारिश की है। टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन सहित इंडस्ट्री में डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है।